बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिकर्जन के लास्ट टॉपिक के साथ ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और आई होप के जो पिछले चारों वीडियोस हैं आप लोगों ने वीकेंड पे इसको आप आराम से सुन लेंगे और मंडे की क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आज हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है वो 8th चैप्टर का लास्ट हमारा कंटेंट है, दैट इज़ टावर ऑफ भनाई की प्रॉब्लम। लास्ट हमने बैक ट्रैकिंग जो था और टाइप्स ऑफ रिकर्जन, उसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज जो हमने करना है कवर, दैट इज़ टावर ऑफ भनाई। इसके बाद हम तकरीबन 8 वीक जो है वो हम कवर कर चुके होंगे, और 8 वीक का मतलब ये कि हमारा आधा कोर्स जो है ना, ये जो मैंने 5 वीडियोस रिकर्जन के टॉपिक पे आप लोगों को अपलोड किए हैं, इसके बाद हमारा हाफ सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। अब हमारे पास नवंबर और दिसंबर के 2 महीने हैं जिसमें हम कंफर्टेबली अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। मेरा टारगेट यही है कि मिड दिसंबर तक आप लोगों को ये कोर्स आउटलाइन कंप्लीट करवा दूँ, और फिर हम जो है ना बाकी 2 हफ्ते हम अगर रिविज़न करना चाहें या थोड़ा सा आप लोगों को सिंक्रोनाइज कर दिया जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी, वक्त आया कि बगैर हम टावर ऑफ भनाई की प्रॉब्लम को समझते हैं। ये रिकर्जन की बहुत वेल नोन प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि ये एक ना इजिप्ट में ये प्रॉब्लम मॉक्स जो होते हैं ना, मॉक्स होते हैं जो कि बुद्धिस्ट जो होते हैं वो आपके उनकी ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग के लिए ना आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो ये जो है ये इस किस्म के पज़ल जो होते हैं ना उनको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, और अभी आप आगे जाके देखोगे कि ये बड़ा ही हम्बल काम है, लेकिन इसमें जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है या ये चीज़ पढ़ाई जा रही है वो इस पॉइंट से पढ़ाई जा रही है कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेल नोन एप्लीकेशन ऑफ रिकर्जन। इसमें होता ये है कि आपके पास, ये वैसे आपने खेली भी होगी कि आपके पास 3 वर्टिकल जो है ना पेग्स होती है, यानी डंडे होते हैं आपके पास, जिसमें आपके पास सर्टन डिस्क पड़ी होती हैं। ये मैं आपको पहले दिखाती हूँ तो फिर शायद आप लोगों को समझ आ जाएगा। इस तरह की ना, जैसे ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास पेग्स हैं, ये ब्लू कलर्स में जो 3 नजर आ रहे हैं इसको हम पेग्स कहते हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 डिस्क पड़ी हुई है, और डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है कि छोटी डिस्क सबसे ऊपर है, फिर दरमियानी डिस्क है, और फिर उसके बाद बड़ी डिस्क है। ये 3 डिस्क के लिए पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, फिर हम इसको 4 डिस्क पे मैप करेंगे, और फिर हम इसको एंड डिस्क पे जो है ना हम एनालिसिस करेंगे कि हमारा रिकर्जन का फंक्शन किस तरीके से बनता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि आपने ना इस पूरी चीज को, ये वाली जो पूरी चीज है इसको आपने शिफ्ट करना है बिल्कुल सेम सिमेट्री में। सेम सिमेट्री से मेरी मुराद ये है कि बिल्कुल छोटी डिस्क ऊपर हो, फिर दरमियानी उससे नीचे हो, और सबसे बड़ी नीचे हो। लेकिन जब आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है ना, तो आप इन पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपके पास 2 कंडीशंस हैं। वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताती हूँ। द डिस्क आर ऑफ वेरिंग साइज, ठीक है, मतलब आप देख रहे थे कि आपके पास 3 साइज की डिस्क है, एक दरमियानी थी, एक छोटी थी, और एक बड़ी थी। तो ये आपके पास इनिशियली प्लेस्ड ऑन 1 पैग विद द लार्जेस्ट स्टिक ऑन द बॉटम विद इंक्रीजिंगली स्मॉलर वन ऑन द टॉप। आप ये देख रहे थे कि 3 डिस्क थी, सबसे छोटी जो थी वो सबसे ऊपर थी, और आपका टास्क क्या है कि आपने सेम सिमेट्री में इन डिस्क को मूव करना है लास्ट वाले पैग में, और इस तरीके से मूव करना है कि आपकी 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। एक वक्त में आप एक ही डिस्क को जो है ना वो आप मूव कर सकते हो, 1 डिस्क एट ए टाइम आपने मूव करनी है। दूसरा ये कि लार्जर डिस्क जो है वो स्मॉलर डिस्क पे नहीं आएगी। ये 2 कंडीशंस को आपने फुलफिल करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अब आप देखें, आपके पास ये प्रॉब्लम थी, अब आप देखें मैं इस प्रॉब्लम को क्या करती हूँ। मैं जब एक वक्त में एक ही डिस्क मूव कर सकती हूँ, तो मैंने सबसे छोटी वाली जो थी वो नंबर, मैं इसको जो है ना नाम दे देती हूँ, और फिर आप देखें कि ये ग्रेजुअली, शायद आप लोगों ने प्रॉब्लम जो है ना रियल लाइफ में भी शायद सॉल्व की हो। जब मैं छोटी थी तो ये हम, ये पैग नंबर 1 है, इसको हम पैग नंबर 2 कहते हैं, और दिस इज योर पैग नंबर 3। तो सबसे पहले मेरा स्टेप ये था कि मैंने एक डिस्क उठाई और पैग नंबर 3 में 1 से 3 में सॉल्व कर दी। अगले मूव में मैंने क्या किया, दरमियानी उठाई और दरमियाने में रख दी, ठीक है। और आप देखें एक वक्त में मैं एक ही डिस्क को मूव कर रही हूँ। उसके बाद आपने
जो थर्ड नंबर पे गया उससे उठा के छोटी वाली को दरमियान वाली पे रख दिया। फोर्थ मूव में आपने क्या किया कि बड़ी वाली जो डिस्क थी उसको पैग नंबर थ्री में मूव कर दिया। दिस इज योर वन, दिस इज योर टू एंड दिस इज योर थ्री, पैग नंबर थ्री। उसमें आपने क्या किया कि अब बड़ी वाली को मूव कर दिया। फिर अगले मूव में आपने क्या किया, छोटी वाली को अगेन वन में मूव कर दिया। और फिर आपने सिक्स में ये मूव इस्तेमाल की। और सेवेंथ मूव में आपने दोबारा से ही, आप देखें आपने कॉन्फिगरेशन इस तरीके से इस्तेमाल किया कि अब आप देखें जो इनिशियल कंडीशन थी उसमें यही सिमेट्री थी ना, छोटी वाली जो थी वो सबसे ऊपर थी, फिर दरमियान वाली थी और फिर उसके बाद ये थी। तो आप देखें ये प्रॉब्लम जो मैंने तीन डिस्क के लिए सॉल्व की है वो मेरे पास सात मूव जो हैं उसमें इस्तेमाल हुई है। अगर मेरे पास डिस्क एक होती तो डेफिनेटली एक डिस्क को मूव करने में एक मूव इस्तेमाल होती। अगर मेरे पास दो डिस्क होती तो फिर मेरे, आप खुद से जरा इसको देखिएगा कि ये कितनी मूव्स में इस्तेमाल होती है। तीन डिस्क में तीन मूव्स इस्तेमाल होती। अच्छा, अब ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं कि मैंने अब डिफरेंट कलर्स कर दिए आपको समझाने के लिए, तीन पैक्स दिखाए हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा कलर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी इस्तेमाल की है। पिछली वाली प्रॉब्लम ही का ये सलूशन है, लेकिन मैंने इसमें जरा कलर्स डिफरेंट इस्तेमाल किए हैं कि सबसे पहले जनाब आप ब्लू को मूव करोगे, फिर आप ग्रीन को मूव करोगे, फिर आप दोबारा से ब्लू को मूव करोगे, फिर रेड को मूव करोगे, फिर ब्लू को मूव करोगे, फिर ग्रीन को मूव करोगे। और तो ये आपके सात मूव्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को दोबारा से दिखाई है कि मेरे पास सात मूव्स में तीन पैक्स जो हैं, तीन डिस्क जो हैं वो पैक नंबर वन से पैक नंबर थ्री में मूव हो गई हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर यही प्रॉब्लम मैं जो हूँ सॉल्व करने की कोशिश करूँ और मेरे पास तीन पैक्स हैं और नंबर ऑफ डिस्क जो हैं वो चार हो गई हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी और मेरे पास कितनी मूव्स होंगी। तो वही वाला हिसाब के जी, मैं एक वक्त में एक मूव डिस्क को मूव कर सकती हूँ। नंबर टू, मैं जो हूँ क्या कर सकती हूँ कि छोटी वाली जो डिस्क है वो बड़ी वाली पे नहीं आएगी, छोटी बड़ी पे छोटी आ सकती है। तो पहले मैंने बी को मूव किया, फिर आप ग्रेजुअली देखो जब आप इसको करोगे तो तकरीबन आपके पास कितनी मूव्स आती हैं उनको हम हिसाब किताब रखते हैं। एनालिसिस ये होता है कि जब अगर आपके पास नंबर ऑफ डिस्क एक है तो नंबर एक ही मूव में आप उसको जो है वन से थ्री पैक में मूव कर जाओगे। अगर आपके पास दो डिस्क हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना वो तीन मूव्स में आपका वो मूव हो जाएगा। अगर आपके पास तीन डिस्क हैं, और तीन डिस्क की मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी है, अगर आप इसको फोर डिस्क के लिए सॉल्व करते हो तो अभी आप काउंट कर लेना कि फोर डिस्क में ये प्रॉब्लम जो है वो पंद्रह मूव्स करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंड सिमिलरली फाइव। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो आप देखो कि मैं देखती हूँ कि एक वक्त में एक, टी वन का मतलब ये कि आपकी बेसिक कंडीशन है कि एक वक्त डिस्क जो है वो एक मूव में मूव कर सकती है। और अगर मैं इसको इसका रिकर्सिव फंक्शन बनाने की कोशिश करूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप में एन के लिए मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पैक नंबर वन है, अब पैक नंबर वन में आपके पास एक, लेट अस सपोज आपके पास एक बड़ा पैक होगा, अगर ये मैं लेट अस सपोज ये तीन के लिए मूव करती हूँ और मैं इसको रिकर्जन के कॉन्सेप्ट से समझाती हूँ, तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी तरीके से आप, अगर आपके पास तीन है तो किसी भी तरीके से ये दोनों को मूव करके उठा के किसी भी और पैग में रख दें, ठीक है, तो आपकी जो है नीचे वाली फ्री हो जाएगी। जब नीचे वाली फ्री हो जाएगी यानी इन दोनों को आप किसी भी उठा के यहाँ पे रख दें या यहाँ पे रख दें, जो भी है आपके पास, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ से आपकी फ्री करनी है, आप किसी भी तरीके से इसको यहाँ पे मूव करें और फिर उसके बाद जो बड़ी वाली है उसको आप यहाँ पे ले आए और फिर वो जो n माइनस वन यानी दो पैक्स थे आपने उसको ऊपर, यानी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास n पैक्स भी होते तो आप, लेट अस सपोज आप इस वक्त मैं कह रही हूँ कि जी आपके पास n पैक्स होते, ठीक है, तो उसमें से आप कितनी प्रॉब्लम्स को, आप n माइनस वन पैक्स को किसी भी तरीके से दरमियान वाले में लेकर आते और फिर आपकी नीचे वाली जो n डिस्क है वो फ्री हो जाती और फिर आप n वाली को यहाँ पे मूव करते, ठीक है, और फिर ये जो n माइनस वन है फिर उसको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन से उठा के इसके ऊपर रखते हो, तो आपके पास ये जो प्रॉब्लम है वो n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए रिजॉल्व हो जाती। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि अगर आपने इसको n के लिए सॉल्व करना है तो आप टू टाइम्स इसको n के लिए, n माइनस वन के लिए सॉल्व करते हो, तीन है तो पहले दो को मूव करोगे, चार है तो तीन को मूव करोगे, और क्योंकि फिर लास्ट में एक रह जाती है तो एक डिस्क की जो कॉस्ट है विच इज वन, तो दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन फॉर द टावर ऑफ हनाई, ठीक है।
तो ये बेसिकली आप से पूछा जा सकता है कि आप टावर ऑफ अनाई की चीजों को स्टेट करें और इसका रिकर्सिव फंक्शन जो है वो बताएं। तो इसमें आप देखें कि मैंने ये रिकर्सिव फंक्शन को यहाँ पे बताया है, आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन जो है वो अपने आपको दो दफा कॉल कर रहा है, और इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें रिकर्सिव फंक्शन में, पहले आप n माइनस वन को डालते हो जैसे आप फैक्टोरियल की प्रॉब्लम को डाला करते थे, आप फिर n माइनस थ्री के लिए इसको सॉल्व करते हो, तो ये बेसिकली जब आप इसको ग्रेजुअली सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली जो टावर ऑफ अनाई की प्रॉब्लम है ना वो आपके पास बन जाती है टू, इसका जो सोल्यूशन है ना वो बन जाता है 2^n-1। फॉर द टाइमिंग आप इसको सिर्फ याद कर लें, इसका सोल्यूशन जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम आपको एलेबोरेट करना था और ये कि टावर ऑफ अनाई की कितनी मूव्स आपके पास होती हैं। लेट अस सपोज अगर आपके पास एन की तादाद जो है वो थ्री है तो आप डालें और मुझे बताएं कि एन की तादाद अगर आपके पास तीन हो तो ये क्या चीज के लिए कैलकुलेट हो जाएगा, तो 2^8 2^3-1 तो ये कितना हो जाएगा 8-1 विच इज इक्वल टू 7। और अभी आपने प्रैक्टिकली भी मैंने आप लोगों को करके बताया कि तीन डिस्क के लिए आपकी 7 मूव्स जो है वो रिक्वायर्ड है, अगर ये जो है वो 4 डिस्क होती तो 2^4-1 तो ये हो जाता आपके पास 16-1 ठीक है, और ये जो है 16-1 जो है वो आपके पास, इसका मतलब ये कि अगर आपने 15 डिस्क को मूव करना हो, सॉरी 4 डिस्क को मूव करना हो तो आपकी 15 जो है वो मूव्स रिक्वायर्ड होंगी ठीक है। एंड इसी तरीके से आप 5 या 6 को, जो मैं आपको पिछला मैंने आप लोगों को जो स्लाइड्स दिखाई थी यहाँ पे देखो 5 मूव्स करनी है तो 31 है, तो अगर आप देखो 2^5 ठीक है -1 करो तो ये आपके पास कितना बनता है 2^5 क्या होता है 32 ठीक है, और 32 में से जब आप -1 करोगे वो आपके पास कितना बन जाएगा 31 ठीक है, और 31 जो है वो आप देखेंगे अगर आपके पास 5 डिस्क होंगी तो 31 होगा, और अगर n डिस्क होंगी तो 2^n-1। तो ये मैं जो है ना इसका सलूशन है, और ये प्रॉब्लम जो है वो रिकर्जन की प्रॉब्लम है क्योंकि आप इसके अंदर रिकर्सिव का क्या मतलब है कि एक वक्त में एक ही मूव जो है वो बार बार आप कर रहे होते हो, डिस्क को मूव ही कर रहे हो ना, तो वो जो है आप लोगों को ये सलूशन दिया गया है। अच्छा अगली दो स्लाइड्स जो है ना ये आपने इसमें एनालिसिस किया हुआ है कि अगर ये एन प्रॉब्लम्स के लिए है तो ये कितना टाइम लेती है, तो इसकी मैंने ना एक रफ कैलकुलेशन करके आपको दी हुई है कि अगर आपके पास डिस्क 1 हो तो एक ही मूव में हो जाएगी, 2 है तो 3 मूव्स लगेंगी, 3 डिस्क है तो 7 मूव्स लगेंगी, 5 है तो 31, अगर एन डिस्क है या आई डिस्क है तो ये देखिए 2^i-1 मूव्स के अंदर ये जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। अगली दो स्लाइड्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन अगर आप इसको गो थ्रू करोगे तो फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई पूछता है कि जी 64 डिस्क के लिए ये कितना टाइम लेगी, तो पिछला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए 2^64-1 ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और मैंने अगली दो स्लाइड्स में ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास कोई सुपर प्रिंटर भी हो और सुपर प्रिंटर जो होता है वो लेट अस सपोज के इतनी इंस्ट्रक्शंस को 2^20 इंस्ट्रक्शंस को वो पर सेकंड सॉल्व कर रहा हो तो कितना टाइम लगेगा, तो 2^64 का जब आप डिवाइड करोगे तो फिर उसने मिनट की सेकंड्स की कैलकुलेशन करके बताई, और ये इतना ज्यादा टाइम लगेगा 64 डिस्क के लिए कि ये तकरीबन ये बिलीव किया जाता है कि जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो क्यामत आ चुकी होगी। ये मैंने पूरा जो है ना आप लोगों को एनालिसिस करके दिया हुआ, इसको आप देख लीजिएगा, ऑल्दो ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और मॉन्क्स जो मैं आपको बुद्धिस्ट की बात बता रही थी उनके अंदर ये मशहूर है कि ये पेशेंस डेवलप करने के लिए ये जो है ना टावर ऑफ अनाई की प्रैक्टिस जो है ना उनसे करवाई जाती है, और जो है ना इनका बिलीव है कि अगर वो 64 के लिए जिसके लिए जिस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वो जो है क्यामत आ जाएगी, तो दिस इज जस्ट बिकॉज हम तो मुसलमान है तो हम इन बातों पर बिलीव नहीं करते, लेकिन बहरहाल जिन्होंने भी ये थ्योरी डेवलप की थी इसको रिकर्जन पर मैप किया था तो उनका यही बिलीव है। आई होप कि ये जो लास्ट टॉपिक ऑफ द रिकर्जन है टॉवर ऑफ अनाई का वो आपको समझ आ गया होगा, और इसका कॉन्सेप्ट थ्रू रिकर्जन आप लोगों को अच्छे तरीके से हम मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट तो हम मंडे की क्लास में इसको फेस टू फेस डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू सो मच.